नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जो है आईटी शेयर में काफ़ी तेजी देखी गई, तो इस तेजी को देख करके आप इसमें फंस ना जाएं इसके बारे में, क्योंकि हमने पिछले दो वीडियो में इन्फोसिस और विप्रो के बारे में वीडियो बनाया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया सर आपके वीडियो को देखने के बाद मैंने 100 शेयर खरीद लिया। तो दोस्तों इस बारे में हम अपडेट दे दें, क्योंकि मार्केट जो अभी हमारा है वो अनसर्टेन है। मार्केट हमारे यहाँ से 11,000 भी जा सकता है और मार्केट यहाँ से हमारा 9,000 की तरफ भी जा सकता है, मतलब मार्केट में करेक्शन भी आ सकता है, मार्केट में और बहुत ज़्यादा तेजी देखने भी आपको मिल सकती है। अगर तेजी रहा तब तो आपने जो शेयर बाय किया है उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहेगा, लेकिन अगर मार्केट करेक्शन आता है तो आप अगर हैवी क्वांटिटी उठा लिए हैं तो वैसे में आपको आपके अकाउंट में लॉस हो दिखाएगा, उससे आप पैनिक हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें जैसे 5 से 10 साल, तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है ब्लू चिप कंपनियों पर, क्योंकि इन्फोसिस अगर फॉल होता है 600 आता है तो ये बहुत ही तेज़ी से फिर रिकवर भी कर लेगा, लेकिन जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर है वो पेशेंस रख पाना उनके लिए मुश्किल होता है। तो आज हम अपडेट देते हैं कि अगर आपने कल बाय किया होगा तो 700 के लेवल पर क्या होगा, तो आज देख सकते हैं इसमें 6% से भी ज़्यादा का तेज़ी है। तो ऐसे में हो सकता है कि अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। हम यहाँ पर साथ ही साथ एक कारण भी जानेंगे कि इन्फोसिस में इतना तेजी क्यों है, इन्फोसिस नहीं और सारे जो आईटी कंपनियां हैं देख सकते हैं एनआईटी टेक 6.27% की तेजी है इसमें। और दोस्तों बता दें आगे इसमें और तेजी हो सकती है या इसमें फॉल भी हो सकता है, क्योंकि अभी मार्केट ओपन है, अभी 3 बजने वाला है, मैं 3 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ, और आगे इसमें मार्केट जो है किस डायरेक्शन में जाता है, मतलब इसका प्राइस किस डायरेक्शन में जाता है उसके अनुसार क्लोज होगा। देख सकते हैं अभी थोड़ा सा इसमें गिरावट आया। आगे बात करते हैं तो देख सकते हैं एससीएल टेक में भी देख सकते हैं 2.59% की तेजी है। तो सारे के सारे आईटी स्टॉक्स देख सकते हैं यहाँ पर टीसीएस में 4.26% की तेजी है, अभी यहाँ पर देख सकते हैं 4.26% की तेजी है। तो देख सकते हैं इतना ज़्यादा तेज है आज हमारा जो आईटी सेक्टर है। वहीं देखते हैं लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड, इसमें देखते हैं 1.75% की तेजी है। उसके बाद हम आते हैं एससीएल टेक में देख लीजिए, एससीएल टेक्नोलॉजी इसमें 2.53% की तेजी है। तो सारे के सारे आईटी स्टॉक्स जो काफ़ी तेज़ी आज देखने मिला है। तो इसमें चाहे तो अगर आपने बाइंग किया है इन्फोसिस में, और हमने जो बताया था विप्रो इसके बारे में कि किस तरह से ये बोनस दे दे करके अपने इन्वेस्टर को काफ़ी वेल्दी बना दिया, काफ़ी धनी बना दिया है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फॉल आता है तो पैनिक नहीं होना है आपको, साथ ही साथ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए जो आपको बोनस का फ़ायदा लेना है। और आगे कौन सी कंपनियाँ अपने बोनस के हिस्ट्री को रिपीट करती रहेगी ये भी सर्टेन नहीं है कि इन्फोसिस रिपीट करेगी या विप्रो करेगी, टीसीएस करेगी, एससीएल टेक करेगी, और भी जो सारे जो हमारे एलएनटी है, मदरसन सुम्मी है, बहुत सारे हैं जो कि बोनस काफ़ी देती है अपने इन्वेस्टर को। तो आज इसमें काफ़ी जो तेज़ी था उसके पीछे का वजह क्या था, चलिए हम यहाँ पर चलते हैं नीचे हमारा न्यूज पे आपको दिखाते हैं कि क्यों है तेज़ी इतना। तो देख सकते हैं यहाँ पर आईटी स्टॉक्स रैली पोस्ट इंक्रीजिंग Q3 रिजल्ट बाय, ये हमारा प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो आप देख लीजिएगा। एसेंचर ये आईटी कंपनी है, अमेरिका बेस्ड यूएसए बेस्ड आईटी कंपनी है। इसके इंडिया में भी 7 से ज़्यादा ऑफिसेस हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड 50 कंट्रीज में इसके ऑफिसेस हैं, तो जिसके कारण इन्फोसिस जंप 5%। और इसके हम डिटेल अगर ले जाएं आपको आर्टिकल पर, तो यहाँ देखते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड पर ये आर्टिकल आज तुरंत अभी पब्लिश हुआ है कि Q3 के रिजल्ट जो पब्लिश हुआ है उसमें ये मतलब प्रॉफिट दिखाया है, जिसके कारण मतलब अमेरिका में अभी Q3 का रिजल्ट चल रहा है तो उसमें ये प्रॉफिट दिखाया है, जिसके कारण जो आईटी कंपनियां हैं उसमें काफ़ी तेज़ी देखने मिला है, क्योंकि हमारी जो इन्फोसिस विप्रो है ये भी अमेरिका पे बहुत ज़्यादा बिजनेस करती है अमेरिका में। तो यहाँ पर देखते हैं कंपनी रिपोर्टेड एडजस्टेड Q3 प्रॉफिट ऑफ $1.90 ए शेयर, मतलब एक शेयर का इतना प्रॉफिट हो गया, तो अब जो कि मतलब बीट दी एवरेज एस्टीमेट ऑफ $1.85, इतना अपने एस्टीमेट को सिर्फ बीट किया
मतलब प्रॉफिट जो था उसका एस्टीमेट था $1.85, उसको बीट कर दिया। 22 एनालिस्ट जो थे उसका एस्टीमेट था इतना, उसको बीट कर दिया। इसी कारण जो है कहा जा रहा है कि आईटी कंपनियां जो है वो COVID-19 से थोड़ा कम अफेक्टेड होगा, मतलब इसका वर्क अभी भी चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम है, तो जिसके कारण आईटी कंपनियों में काफ़ी तेजी देखने मिल रहा है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे S&P BSE इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है S&P BSE, मतलब BSE हमारा जो उसका जो इंडेक्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो कह रहा है 4% हायर है आज, और ये 14,983 के लेवल पे है, जिसमें इंफोसिस, माइंडट्री, मैस्टेक, एनआईटी टेक देखते हैं रोज अप टू 6%। ये जो हमारा सारा का सारा इंफोसिस है, माइंडट्री है, मैस्टेक है, एनआईटी टेक है, ये सब 6% से राइज कर चुका है। तो ये इंफॉर्मेशन था कि जो ये सेंचर है, ये हमारा प्रोनेंसेशन गलत नहीं हो तो ऐसा हम मानते हैं कि आप इसको सही प्रोनेंसेशन करेंगे। तो इसका जो प्रॉफिट में जंप हुआ है, मतलब प्रॉफिट में जो स्ट्रेंथ दिखाया, मजबूती दिखाया है कि आईटी कंपनियां COVID-19 से थोड़ा कम अफेक्टेड होगा क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, इसी कारण आईटी कंपनियों में इतनी तेज़ी देखने मिल रहा है। लेकिन अगर हमारे इंडियन कंपनी का प्रॉफिट में फॉल आता है Q1 के रिजल्ट में, तो इसमें करेक्शन आ सकता है, साथ साथ मार्केट अगर करेक्ट होता है तो उसके साथ भी करेक्शन आ सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो कि इसे इफेक्ट करेगा। तो ये सारी बातें था कि आप जो है इसमें अगर फंस गए हों तो आप जो है इसमें सतर्क हो जाएं, अगर प्रॉफिट बुक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी इंफोसिस आपके एक शेयर पर ₹45 का बेनिफिट दे रहा है। अगर आप कल खरीदे हैं तो कल परसों जिस दिन भी खरीदे हैं तो प्रॉफिट कुछ बुक कर सकते हैं, कुछ शेयर रख सकते हैं, क्योंकि आगे अगर गिरावट आती है तो फिर आप वहाँ पर बाय कर सकते हैं, बाय ऑन डिप। तो हमेशा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो बाय ऑन डिप करते हैं कि जब जब करेक्शन आएगा तब तब आप बाय करेंगे, जब जब करेक्शन आएगा तब तब आप बाय करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो जो है जिसका नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम है, तो अगर आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिला हो तो आप और सारे वीडियो जो है उसको भी देख सकते हैं। कल हमने बताया है कि कैसे आप अर्निंग पर शेयर के आधार पर बहुत सारे क्रिटेरिया जिसके आधार पर स्टॉक चूज कर सकते हैं, और जो हमारा मेन वीडियो होता है ये सारे एजुकेशनल पर्पज से होता है, हम किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने का रिकमेंडेशन आपको नहीं देते हैं, सिर्फ एजुकेट करते हैं कि आप अपने खुद से शेयर चूज कर सकें, और हमेशा बाय ऑन डिप्स करें, जैसे मार्केट में करेक्शन आता है तब आप वहां पर बाय ऑन डिप कर सकते हैं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा।